आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हमारा स्मार्टफोन गर्म क्यों होता है, इसके क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, और कितना स्मार्टफोन अगर गर्म होता है तो कितना सेफ़ है। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं फंजून हिंदी डिटेक्टिव। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देसी देसी ना बोलिया कर छोरी रे, इस देसी की फैनी अपनिया हो रही रे। तो दोस्तों, अगर ऐसा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस नहीं है जो गर्म नहीं होता, मतलब कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, जब उस पर वर्क किया जाएगा, उस पर वर्क चल रहा होगा तो वो गर्म होना तय है, क्योंकि ऐसा कोई इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस ही नहीं बना जो क्या कहते हैं गर्म ना होती है, ऑटोमेटिक होता है। तो इसमें सबसे बड़ा योगदान होता है कंप्रेसर का। अगर आप अपने स्मार्टफोन की बात करें या किसी के भी स्मार्टफोन की बात करें, तो उसमें हर एक के क्या कहते हैं स्मार्टफोन में प्रोसेसर लगा हुआ रहता है। या इसका मेन प्रोसेसर का मेन काम क्या होता है, यह सभी चीज़ों को देखता है, मतलब जितने भी काम करने पड़ते हैं प्रोसेसर को ही करने पड़ते हैं। अगर आपका फ़ोन रखा हुआ है या आप यूज़ कर रहे हैं तो भी प्रोसेसर वर्क करता है। अगर आपका फ़ोन रखा हुआ है तो बैकग्राउंड में प्रोसेसर वर्क करता है, अगर आप यूज कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिक वर्क करना स्टार्ट कर देता है। तो प्रोसेसर किस चीज़ का बना होता है, यह सेमी कंडक्टर का, बहुत सारे मेटल को मिलाकर बनाया जाता है प्रोसेसर को। तो इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब आप कोई भी काम करना शुरू करते हैं अपने फ़ोन पर या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर, तो वो इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर भागने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं, या अपना काम स्टार्ट कर देते हैं, शुरू कर देते हैं अपना काम करना, जिसमें वो आपस में टकराते हैं। इतने भारी मात्रा में होते हैं कि वो आपस में टकराने लगते हैं। टकराने से क्या होता है, हीट निकलता है, हीट जो आपके स्मार्टफोन की बॉडी पर आपको मिलने लगता है, कि आपको महसूस होने लगता है कि आपका फ़ोन गर्म हो चुका है। तो ये पहला रीज़न है स्मार्टफोन के गर्म होने का। आपका अगर प्रोसेसर कम है तो उसके कारण भी गर्म हो सकता है। दूसरी, अगर आपकी रैम कम है तो उससे भी गर्म हो सकता है। मान लीजिए आप कोई भी बाइक चला रहा है या वह 40 की स्पीड से जा रहा है, तो उसका इंजन होगा थोड़ा सा कम गर्म होगा, लेकिन अगर वह 80 की स्पीड से जाए तो उसका इंजन ज़्यादा गर्म है। मतलब मेरे कहने का मतलब, आपका लोड, मतलब आपके मोबाइल पर आप नॉर्मल चीज़ यूज़ कर रहे हैं, जैसे फ़ोन पर बात कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, टेक्स्ट कर रहे हैं किसी को, तो आपका नॉर्मल चीज़ चल रही है तो आपका फ़ोन बहुत कम गर्म होता है। लेकिन अगर वही हैवी वर्क कर रहे हैं अपने फ़ोन पर, या गेम खेल रहे हैं, तो बहुत देर तक आप गेम खेल रहे हैं तो आपका फ़ोन ऑटोमेटिक गर्म होने लगता है, क्योंकि उसको ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है, बहुत सारे प्रोसेसर पे लोड पड़ने लगता है। तो प्रोसेसर क्या करता है, वो उसे ज़्यादा पावर देने की सोचता है और वो उसे देने लगता है। जब वो देने लगता है तो वो जल्दी जल्दी वर्क करता है, और जल्दी जल्दी वर्क करेगा तो वह ऑटोमेटिक गर्म होगा। आप खुद ही देख लीजिए, अगर आप स्लो मोशन में चलते हैं तो आपके शरीर से पसीना नहीं निकल रहा, लेकिन जब दौड़ने लगते हैं तो आपको अंदर से गर्मी महसूस होने लगती है, पसीना भी निकल लगती है। तो सेम चीज़ होता है ये हमारे स्मार्टफोन के साथ। तो ये रीज़न हो सकते हैं आपके फ़ोन के गर्म होने के। तो अगर आप बैकग्राउंड में कुछ भी, बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं जो बैकग्राउंड में बेकार के फालतू के रन करते रहते हैं, तो आप उन्हें सबसे पहले क्या कहते हैं डेटा क्लियर करके रखिए, ताकि वो फालतू के एप्लीकेशन बैकग्राउंड में रन ना हो, जिससे हमारे प्रोसेसर को कम वर्क करना पड़े, और क्या कहते हैं यह कम वर्क करेगा तो यह कम गर्म होगा। तो दूसरा रीज़न क्या है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप अगर कोई गेम खेल रहे हैं, बहुत मतलब हैवी गेम है, जैसे क्या कहते हैं 1 GB 2 GB या कोई भी नॉर्मल सा गेम, बहुत क्या कहते हैं वह प्रोसेसर का यूज़ करने लगता है, और क्या कहते हैं अगर आप बैकग्राउंड में क्या कहते हैं डाउनलोडिंग लगा रखा है या कुछ और लगा रखा है, तो उसके कारण भी आपका फ़ोन गर्म होने लगता है। आपने गेम खेला होगा, आप ऐसा गेम खेलते होंगे, कोई भी गेम आप ले लीजिए, आप 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे, लेकिन आप उसे भर दिन खेल नहीं सकते, क्योंकि वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, क्योंकि जब प्रोसेसर को पता चलेगा आप ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है, जिसे आपको नुकसान पहुँच सकता, हो सकता है आपकी बैटरी फूट जाए, इसलिए वो क्या करता है गेम लैग करने लगता है। लैग करने के बाद वो ऑटोमेटिक, हो सकता है आपके स्क्रीन पर ये मैसेज भी आ जाए कि आप इसके टास्क को बंद कर दीजिए, बाद में आप उसे ओपन कर सकते हैं, या आपका मोबाइल ऑटोमेटिक स्विच ऑफ होता है। ये भी रीज़न हो सकते हैं कि आपका फ़ोन गर्म हो जाता है। या आपने जैसे कोई नया एप्लीकेशन डाउनलोड किया, वो ऑटोमेटिक अपने आप, उसका कोई भी यूज नहीं है, या गेम्स डाउनलोड किया उसका भी कोई यूज नहीं है, कभी कभार आप खेलते हो तो ऑटोमेटिक बैकग्राउंड में रन करने लगते हैं, जिससे हो सकता है कि आपका स्मार्टफोन गर्म होने लगता हो। और तीसरा रीज़न क्या है, अगर आपका क्या कहते हैं नेटवर्क कनेक्शन बहुत ही पुअर है, मतलब आपको कम नेटवर्क कनेक्शन मिल रहा है, या आप अपने वाईफाई से अपने फ़ोन को कनेक्ट किया और पुअर नेटवर्क कनेक्शन आ रहा है, तो यह कंप्रेसर क्या करता है, वह एंटीना को एक मैसेज भेजता है, भाई हमें ज़्यादा नेटवर्क की ज़रूरत है, हम इसलिए ज़्यादा भेजता है, वह उसको पावर ज़्यादा सप्लाई करता है। तो एंटीना चाहता है कि वह कम है तो उसे हम ज़्यादा करके खींच के अपने पास पहुँचा लें, तो जिससे क्या होता है कि आपका फ़ोन ऑटोमेटिक हीट होने लगता है, क्योंकि हमारा प्रोसेसर ज़्यादा वर्क करने लगता है, एंटीना को भी ज़्यादा पावर चाहिए, उसके कारण हमारा फ़ोन हीट होने लगता है। इसलिए आप अपने फ़ोन में बहुत सारे एप्लीकेशन का यूज़ नहीं करते, आपके रैम अगर कम है तो ये भी रीज़न हो सकता है आपके फ़ोन के गर्म होने का, क्योंकि आपका रैम जैसे 1 GB है या 0.5 GB है या इससे भी कम है या थोड़ी सी ज़्यादा है, 1.5 GB है, तो इसमें आप बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं ये होने लगता है, प्रेशर बढ़ जाता है आपके फ़ोन पर, बहुत सारे ओवरलोड होने लगते हैं, ओवरलोड होने के कारण आपका फ़ोन ऑटोमेटिक गर्म होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, क्योंकि हमारा फ़ोन बहुत छोटा है,
बैटरी जो हमारी मिलती है वो बहुत ही अंदर लगी हुई थी, ज़्यादा अंदर भी नहीं मतलब जस्ट लगी हुई थी, जैसे ये फ़ोन है हमारा इसके पीछे जस्ट बैटरी लगी हुई है। लेकिन जब प्रोसेसर गर्म होता है तो उसे निकलने का कोई क्या कहते हैं ये नहीं मिलता है, जगह नहीं मिलता है कि वह हीट कहाँ निकले, तो उसके कारण भी हमारा प्रोसेसर मतलब गर्म जैसे ही होता है तो उसके बाद वो बैटरी को गर्म करने लगता है। ये हमारा फ़ोन अगर चार्ज में भी लगा हुआ है तो वो ऑटोमेटिक गर्म होने लगता है, लेकिन गर्म अब सेफ़ ही कहाँ तक, अब 40-48 डिग्री तक भी अगर आपका टेम्परेचर फ़ोन का है तो वो सेफ़ है। लेकिन नॉर्मल की अब बातें हैं, अगर आप इंडिया में रह रहे हो तो यहाँ नॉर्मल टेम्परेचर गर्मी में 35, 36, 37, 38, 40, 50 तक भी जाते हैं, तो क्या होता है आप नॉर्मली अगर 50, 35 या 40 डिग्री के टेम्परेचर में आप अपना मोबाइल यूज करिएगा तो ऑटोमेटिक भी ये गर्म होने लगता है। तो इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं गर्म होने के। और एक और रीज़न मैं आपको बता दूँ, अगर आपका सॉफ्टवेयर क्या कहते हैं लेटेस्ट वर्जन का नहीं है तो आप उसे अपडेट कर लीजिए, हो सकता है कि इसके कारण भी आपका फ़ोन गर्म होता है, क्योंकि वह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को सही से वर्क नहीं कर पा रहा हो, या उसके कारण हो सकता है गर्म होता हो, या अगर दोनों या बहुत ज़्यादा मिलकर वर्क कर रहे हैं तो उसके कारण भी गर्म होता है। इसलिए कंपनियां हमें सॉफ्टवेयर अपडेट करने का नोटिफिकेशन भेजी कि आप अपने मोबाइल का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लीजिए। गेम ऐसा होता है कि अगर आप बहुत देर तक गेम खेलते हो तो कुछ ऐसा टाइम आएगा आप गेम को प्ले ही नहीं कर पाओ, वो ऑटोमेटिक बंद होने लग जाता है। इससे क्या होता है, प्रोसेसर में एक ऐसा एल्गोरिदम सेट किया गया है कि अगर आपका फ़ोन ज़्यादा हीट होने लगे तो वह ऑटोमेटिक वह स्लो काम करने लगा, वर्क करने लगा, जिससे कारण हमारा गेम फंसने लगता है। तो हमें लगता है कि हमें भी लग जाता है कि हमने बहुत ज़्यादा खेल लिया है, और प्रोसेसर को ऑटोमेटिक वह स्लो हो जाता है, ताकि आपके आपके हाथ को हो सकता है बैटरी फट जाए या कुछ भी हो जाए, इससे आपका कोई नुकसान भी हो सकता है। इसलिए ये सभी प्रोसेसर में अल्गोरिथम लगाया जाता है, मैनुअली सेट किया जाता है कि जब ये वह बहुत ज़्यादा हीट होने लगे फ़ोन को तो वह ऑटोमेटिक उसका मतलब काम करना धीरे धीरे बंद करने लगता है, मतलब स्लो हो जाता है धीरे धीरे, जिस तरह से वो आगे बढ़ रहा था उसी तरह से रिवर्स में आने लगता है और आपका फ़ोन वर्क करना अच्छे से बंद कर देता है। ये सारे रीज़न हो सकते हैं आपके फ़ोन के गर्म होने के। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पूरी तरह समझ में आ गया होगा कि आपका फ़ोन क्यों गर्म होता है, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपका कोई भी डाउट है या आपकी कोई राय है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, मैं आपकी सभी कमेंट्स के जवाब दूंगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइए और कमेंट करना मत भूलिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।